नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौक। राजसमंद राजस्थान राज्य में उदयपुर शहर से 67 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा शहर है, जिसको आपने नाम दुनिया की सबसे छोटी झील राजसमंद झील से मिला है। कुंभलगढ़ और हल्दी घाटी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्रों के अलावा राजसमंद विभिन्न संप्रदायों से धार्मिक महत्व भी रखता है। राजसमंद श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि वैष्णव समुदाय के प्रमुख देवता भी थे। इसके अलावा यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर, भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर चारभुजा भी यहाँ पर स्थित है। इन सभी मंदिरों के अलावा आप यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित कर मंदिर भी देख सकते हैं। अपने पर्यटन स्थलों के अलावा राजसमंद अपने संगमरमर शिल्प के लिए भी सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। बता दें कि यह देश में सबसे बड़ा संगमरमर उत्पादक इकाई और जिला भी है। राजसमंद के इतिहास से सबको रूबरू करवाते हैं। राजसमंद का इतिहास वर्ष 1660 में शुरू होता है, जब महाराणा राज सिंह ने यहाँ पर राजसमंद झील का निर्माण किया था और इस शहर का नाम झील के नाम पर रखा गया था। वहीं राजस्थान में स्थित राजसमंद शहर का इतिहास युद्ध, साहस और वीरता की कहानियों से भरा हुआ है। यह शहर 1991 में अस्तित्व में आया था, जब इसे उदयपुर जिले से अलग कर दिया गया था। राजसमंद उदयपुर के हिस्से के रूप में 1857 में तात्या टोपे के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई का गवाह बना था। कुंभलगढ़ का किला भी यहीं स्थित है, जो महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है। हल्दी घाटी की लड़ाई भी यही लड़ी गई थी और यहाँ पर महाराणा प्रताप सबसे प्रसिद्ध घोड़ा चेतक भी मारा गया था। यहाँ के अगर प्रसिद्ध जगह के घूमने की जगहों के बारे में बात की जाए, अगर आप राजस्थान के राजसमंद शहर की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ के प्रसिद्ध काकरौली मंदिर की यात्रा करने के लिए भी जरूर जाना चाहिए। ये मंदिर राजसमंद का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो दिखने में बेहद ही आकर्षक है। काकरौली मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका द्वारकाधीश मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ किला राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और राजसमंद जिले में उदयपुर शहर के उत्तर पश्चिम के 82 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुंभलगढ़ किला राजस्थान राज्य में 5 पहाड़ी किलों में से एक है, जिसको साल 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अरावली पर्वतमाला की तटली पर बना हुआ यह किला पर्वतमाला की 13 पहाड़ी चोटियों से घिरा हुआ है और 1914 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह आकर्षक किला एक जंगल के बीच स्थित है, जिसको एक वन्य जीव अभ्यारण में बदल दिया गया है। वहीं हल्दी घाटी राजसमंद जिले का गौरव है। स्थान को महान महाराणा प्रताप के शिष्ट कर्मों के लिए यह स्थान दुनिया भर में जाना जाता है। हल्दी घाटी उदयपुर से 44 किलोमीटर दूर बना हुआ है। बता दें कि यह स्थान अरावली श्रेणी के बीच में स्थित है। यह सकनीय हल्दी रंग का पहाड़ी क्षेत्र, जिसने मेवाड़ राजवंश के सम्मान की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसको हल्दी घाटी के रूप में भी जाना जाता है। हल्दी घाटी राजस्थान का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, जो महाराणा प्रताप की वीरता के लिए जाना जाता है। 1576 के हल्दी घाटी मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह और अंबर के राजा मान सिंह के बीच में एक विशाल युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक हल्दी घाटी युद्ध के नायक थे। इस खूनी लड़ाई में चेतक के साथ कई लोगों की जान चली गई थी। अगर राजसमंद की यात्रा करते हैं तो आपको इस ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। वहीं राजस्थान के राजसमंद सरकार लगातार नई नई पहल कर रही है, नई नई सौगातें लेकर आ रही है, जिसमें राजसमंद के पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिल सके और साथ ही राजस्थान के टूरिज्म मिनिस्टर विश्वेंद्र सिंह भी नई नई सौगातें लेकर आ रहे हैं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल राजस्थान चौक के साथ। मैं प्रिया पंसल, नमस्कार।